हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीजें या मटेरियल्स पाए जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करें। मींस कौन से मटेरियल कंडक्टर्स हैं, कौन से मटेरियल इंसुलेटर हैं और कौन से मटेरियल जो हैं वो सेमी कंडक्टर हैं। मीन्स हमें डिफरेंट मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करना है, किस बेसिस पर? उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बेसिस पर, और ये देखना है कि क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है या नहीं। तो आइए हम देखेंगे कि आज इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाए। तो हमारे आसपास जो भी मटेरियल आपको दिखेंगे वो या तो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे, अगर पास होने देंगे तो उन्हें हम कंडक्टर कहेंगे, और अगर वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को नहीं पास होने देंगे तो उन्हें हम इंसुलेटर कहेंगे। आपके आसपास जितनी मेटल्स हैं, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे टंगस्टन हो, चाहे आयरन हो, ये जितनी मेटल्स होती हैं ये कंडक्टर होती हैं। ये सॉलिड कंडक्टर में आएंगी, मेटल्स में आएंगी। लिक्विड कंडक्टर भी होते हैं, जैसे मरकरी है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है, यानी सीएल का सोल्यूशन है, ये सब आपके लिक्विड कंडक्टर में आते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट कोर के फ्लो को नहीं अलाउ करते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, जैसे माइका है, प्लास्टिक है, रबर है, सिरामिक है, आपका चाइना क्ले है, फ्यूज क्वार्ट्ज है, ये सब आपके वुड है, स्टोन है, पेपर है, प्योर वाटर है, ये सब आपके इंसुलेटर में आते हैं। और कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उतना तो नहीं होता जितना मेटल्स में होता है, लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, कंडक्टर से कम होता है, वे इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, उन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं। जैसे कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकन है, ये सब आपके सेमी कंडक्टर में आएंगे। तो आइए हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके आइए हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि वो मटेरियल जब उसके अंदर से करंट फ्लो करेगी तो कितना ज़्यादा अपोज करेगी, कितना कम अपोज करेगी। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अपोज करेगी, अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो कम अपोज करेगी, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो रेजिस्टिविटी जो है वो किसी कंडक्टिंग मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है, वो वर्च्यू है जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसमें उसके अंदर से करंट आसानी से फ्लो हो सकती है या नहीं। रेजिस्टिविटी कम होगी तो करंट आसानी से फ्लो करेगी, उसका वो गुड कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो मुश्किल से फ्लो करेगी, वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, उसे आप इंसुलेटर कहोगे। या आप अलग दूसरे वर्ड्स में बोलें तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन के वायर की के रेजिस्टेंस को उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट ओम इनटू मीटर होती है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसी ऑब्जेक्ट की नहीं। मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी, अगर जब तक मटेरियल नहीं चेंज करोगे तब तक चेंज नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम अपने आसपास जो मटेरियल पाए जाते हैं उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारे आसपास जो भी मटेरियल पाए जाते हैं उनको रेजिस्टिविटी के बेसिस पर हम थ्री पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक कंडक्टर्स,
जिनमें मेटल और एलाय आ जाती हैं, एक सेमीकंडक्टर जिनमें कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन आ जाते हैं, एक इंसुलेटर जिसमें रबर है, प्लास्टिक है, माइका आ जाते हैं। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला है कंडक्टर्स। क्या कंडक्टर्स? कंडक्टर्स वे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बड़ी आसानी से होता है। तो देखिए, दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन होता है 10^29 पर मीटर क्यूब। कितना? 10^29 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेटल्स होती हैं, जो कंडक्टर होते हैं, जो एलाय होती हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर थिकनेस का कोई वायर ले लें मेटल्स का, तो उसमें 10^29 जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी मेटल के एटम के आउटर मोस्ट के वह इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम से निकल चुके होते हैं और पूरी मेटल के अंदर घूमते हैं, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरी, दे हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी। जो हमारी मेटल्स होती हैं और एलाय होती हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, वेरी लो होती है। इनका रेंज होता है, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, इनका रेंज होता है 10^-8 ओम इंटू मीटर से 10^-6 ओम इंटू मीटर। मीन्स जो हमारी मेटल्स होती हैं, जिनको आप मेटल्स बोलते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी का रेंज 10^-8 ओम इंटू मीटर से 10^-6 ओम इंटू मीटर होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। अगली बात, अल्फा फॉर देम पॉजिटिव एंड लार्ज। जो मेटल्स होती हैं उनके लिए अल्फा, अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या? टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अल्फा जो होता है वो मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है और लार्ज होता है। अल्फा जो है मेटल्स के लिए पॉजिटिव और लार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे या मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है बहुत तेज़ी से चेंज होती है, बहुत फास्ट इंक्रीज या डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ। और रो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रो इंक्रीजेज, ऊपर की ओर एरो हो तो इंक्रीजेज, रो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो मेटल्स की जो रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ये रही आपके मेटल्स के विषय में बातें। तो याद रखना, मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, 10^29 पर मीटर क्यूब होते हैं। मेटल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होती है। मेटल्स का जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, पॉजिटिव और लार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका, इनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत फास्ट इंक्रीज होगा। अगली बात जो है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ मेटल्स की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अगली बात, मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 10^29 पर मीटर क्यूब होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स की रेजिस्टिविटी का रेंज 10^-8 ओम इंटू मीटर से 10^-6 ओम इंटू मीटर होता है। ओके, आइए हम बात एलाय की करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एलाय क्या होती हैं, जैसे आपका आपका ब्रास है, ब्रांज है, आपका नाइक्रोम है, कांस्टेंटन है, मैग्नीन है, जर्मन सिल्वर है, आपका ये सब जो है एलाय के एग्जांपल हैं। तो जब हम दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिला करके उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर लें या होमोजीनियस सोल्यूशन तैयार कर लें, तो उसे एलाय कहते हैं। तो एलाय की डिफिनेशन हो गई, अ होमोजीनियस सोल्यूशन
आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल्स इज कॉल्ड एलाय, मीन्स दो या दो से अधिक मेटल का एक होमोजीनियस सोल्यूशन या एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है एलाय कहलाता है। एलाय का एग्जाम्पल कौन सा है? आपके घर में हीटर वायर में नाइक्रोम लगा होता है, वो एलाय का एग्जाम्पल है। आप अपने घरों में बर्तन का यूज करते हैं, यूटेंसिल्स का, जो ब्रास और ब्रांज के बने होते हैं, जिन्हें हिंदी में कासाओ पीतल कहते हैं, वो एलाय का एग्जाम्पल है। आप कांस्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, जिसमें लेबोरेटरी के अंदर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, वो एलाय का एग्जाम्पल हो गया। जर्मन सिल्वर हो गया, ये एलाय का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब एलाय के एग्जाम्पल हैं। अगला जो अब एलाय में मेन आपके यहाँ कौन कौन यूज होती हैं, एक है नाइक्रोम। अगर नाइक्रोम को हम संधि विच्छेद कर ले, अलग अलग कर दें, तो ये निकिल क्रोम, देखिए यन आई से हो गया निकिल, यहाँ सी एच आर से क्रोमियम हो गया सी आर, और यम से मैग्नीज हो गया, और एफ ई ई से जो है वो आयरन हो गया। तो नाइक्रोम जो है निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम निकिल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन से मिलकर बना होता है। इसका यूज हीटर के वायर, हीटर के एलिमेंट बनाने में किया जाता है। हीटर में जो आपका वायर लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट, वो नाइक्रोम का बना होता है। मैग्नीन ये भी एक एलाय है। मैग्नीन किससे मिलकर बना होता है? कॉपर से, इसमें कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, निकल होता है। यन आई से निकल हो गया, यम एन से मैग्नीज हो गया, और सी यू कॉपर, कॉपर मैग्नीज और निकल से मिलकर मैग्नीन बना होता है। मैग्नीन के जो है रजिस्टर्स बनाए जाते हैं, जो लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं। अगला कांस्टेंटन है एलाय में। कांस्टेंटन जो है सी यू एन आई से मिलकर बना होता है, कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है। इन तीनों मेटल को कंबाइंड रूप से निकिल क्रोमियम, निकिल आपका नाइक्रोम, मैग्नीन और कांस्टेंटन, नाइक्रोम मैग्नीन और कांस्टेंटन को कंबाइंड रूप से हम लोग यूरेका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेका बोलते हैं। ये यूरेका कहलाता है। रो इज मोर देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल। जो एलाय होती हैं, जो ये एलाय जिन मेटल से मिलकर बनी होती हैं, उनके कंपेरिजन में इनकी रजिस्टिविटी जो होती है ज़्यादा होती है। कि कोई भी एलाय अपने जिन मेटल से मिलकर बनी होती है, उन मेटल के कंपेरिजन में इनकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो रो इज मोर देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल। नेक्स्ट, रो इंक्रीजेस स्लो विद देन ऑफ मेटल्स। अगर आप एलाय का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो एलाय की जो रजिस्टिविटी है इंक्रीज तो होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, लेकिन वेरी स्लो होती है। जैसा मेटल की बहुत तेजी से होती है, मेटल्स के कंपेरिजन में जो एलाय की रजिस्टिविटी है उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन वेरी स्लो होता है। क्या? वेरी स्लो होता है। And for magnesium and constantin, rho is nearly independent of temperature. अगर हम मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन एलाय की बात करें, तो इनकी जो रजिस्टिविटी है nearly temperature independent होती है, वो temperature पर depend नहीं करती है। इसीलिए हम कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का यूज स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इनका रजिस्टेंस चेंज ना हो और सर्किट में करंट चेंज ना हो। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के क्यों बनाए जाते हैं? तो आंसर आप लिखोगे, बिकॉज द रजिस्टिविटी ऑफ द कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, सो बाय इन चेंजिंग द टेम्परेचर देर इज नो चेंज इन द रजिस्टेंस ऑफ दीज वायर। ओके, और एल्फा जो होता है वेरी स्मॉल और पॉजिटिव होता है एलाय के लिए। एलाय के लिए जो टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल का मतलब ये हो गया कि इनका जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी स्लो इंक्रीज करेगा। ओके, ये बात रही एलाय की, अब एलाय में अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर
स्टूडेंट्स वह मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, मीन्स ना वो कंडक्टर जितना ना वो कंडक्टर जैसे कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर जैसे इंसुलेटर होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो lies between conductor and insulator are called semiconductor। वह material जिनकी resistivity conductor और insulator के बीच में lie करती है उन्हें हम semiconductor कहते हैं। क्या कहते हैं? semiconductor कहते हैं। example में कौन आते हैं? carbon है, germanium है, silicon है, ये सब आपके semiconductor में आते हैं। जितनी electronic industry है वो semiconductor पर ही based है। आइए देखते हैं। They have few free electrons per unit volume, यन इक्वल टू 10^12 पर मीटर क्यूब। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो सेमी कंडक्टर हैं, इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है पर यूनिट वॉल्यूम वो 10^12 पर मीटर क्यूब होती है। क्या होती है? 10^12 पर मीटर क्यूब होती है। तो सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10^12 पर मीटर क्यूब होती है। क्या? 10^12 पर मीटर क्यूब होती है। और इनकी रेजिस्टिविटी का जो रेंज होता है, वो 10^-5 ओम इंटू मीटर से 10^2 ओम इंटू मीटर होता है। 10^-5 ओम इंटू मीटर से 10^2 ओम इंटू मीटर होता है। ये इनकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी का ये रेंज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनके लिए जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हो, वो निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और अगली बात, रो इंक्रीजेज विद एडिंग द इम्प्योरिटी। अगर आप सेमीकंडक्टर में बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर दो तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जबकि प्योर सेमीकंडक्टर की ज़्यादा होती है रेजिस्टिविटी। एग्जाम्पल क्या है? जर्मेनियम हो गया, सिलिकन हो गया, आपका ये इनके एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अब आइए हम इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर देखिए, कोई भी मटेरियल कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किन कंडीशंस में आप उसे कंडक्टर कह रहे हैं, किन सिचुएशन में उसे इंसुलेटर कह रहे हैं। अगर एयर है, एयर तो वैसे इंसुलेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए तो यही कंडक्टर बन जाती है। तो कोई भी मटेरियल कंडक्टर होगा या इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशंस हम अप्लाई किए हैं। आइए इंसुलेटर्स की बात करते हैं। तो दे हैव प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो इंसुलेटर होते हैं इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, 10^2 पर मीटर क्यूब। कहाँ 10^2 और कहाँ 10^29? तो मेटल्स के कंपेरिजन में इनमें नेग्लिजिबल होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते और वही फ्री इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो करंट फ्लो करते हैं, तो इसीलिए ये करंट का फ्लो नहीं करते हैं। और रो इज वेरी मच हाई, मीन्स जो इंसुलेटर होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। कितना? 10^10 से 10^17 ओम इंटू मीटर के रेंज में। देखिए प्लस में पावर है, 10^10 से 10^17 ओम इंटू मीटर है। वेरी मच हाई। क्या? वेरी मच हाई। याद रखना, इसीलिए करंट फ्लो नहीं करते हैं।
रो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो रजिस्टिविटी इनकी डिक्रीज हो जाती है, इंसुलेटर की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस इनका डिक्रीज होता है। माइका हो गया, माइका होता है जो आपके घर में हीटर होती है, हीटर की जो प्लेट बनी होती है सफ़ेद सफ़ेद, जिस पर वो क्वाइल वायर लगा होता है, वो माइका का बना होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। माइका हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्योर वाटर हो गया, सिरामिक हो गया, फ्यूज क्वार्ट्ज हो गया, ये सब इंसुलेटर होते हैं। प्योर वाटर इंसुलेटर है, डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एसिड मिला दो, थोड़ा सा बेस मिला दो, थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दो, ठीक ना, तो वो कंडक्टर बन जाता है। क्या कंडक्टर बन जाता है। अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। ये सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर तो सुपरमैन जैसे होंगे। तो सुपर कंडक्टर जो है, इसको डिस्कवर किया था 1911 में, डच के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जान कैमरलिंग ओन्स। सुपर कंडक्टर को डिस्कवर किया था 1911 में जान कैमरलिंग ओन्स ने। ये एक डच फिजिस्ट थे, डच के एक फिजिस्ट थे, ओके। तो डिस्कवर्ड बाय जॉन कैमरलिंग ओन्स इन 1911, ठीक है ना। उन्होंने क्या देखा कि मरकरी में, उन्होंने देखा कि मरकरी जो लिक्विड है HG, मरकरी में 4.2 केल्विन के नीचे जैसे हम टेम्परेचर लाते हैं, तो उसकी रजिस्टिविटी अचानक जीरो हो जाती है, ऑल ऑफ सडन जीरो हो जाती है, और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, तो वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो मीन्स ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करें तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच करके के रजिस्टिविटी ऑल ऑफ सडन जीरो हो जाती है। ये जो ऑल ऑफ सडन रजिस्टिविटी जीरो होती है, इसी फिनोमिना को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो मीन्स किसी कुछ किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जीरो हो जाना सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है, तथा जिन मटेरियल्स में ऐसा होता है उन्हें सुपर कंडक्टर कहते हैं। आइए देखें सुपर कंडक्टर के किन में होता है। रो ऑल ऑफ सडन बिकम्स जीरो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड TCR, क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब ये जो सुपर कंडक्टर होते हैं, इनकी रजिस्टिविटी, रो मतलब रजिस्टिविटी, इनकी रजिस्टिविटी एक विशेष टेम्परेचर पर जीरो हो जाती है। उस टेम्परेचर को TC से डिनोट किया जाता है। किससे, TC से। C का मतलब क्रिटिकल, टी मतलब टेम्परेचर, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मींस वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके नीचे रेजिस्टिविटी अचानक जीरो हो जाए और वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। हाँ, अब किसमें ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि मरकरी में जो सुपर कंडक्टिविटी होती है 4.2 केल्विन के नीचे होती है। नियोबियम में देखा गया कि सुपर कंडक्टिविटी 9.2 केल्विन के पास होती है। लेड में देखा गया कि सुपर कंडक्टिविटी 7.25 केल्विन के आसपास होती है। और आज तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर इनबंड किया गया है 120 केल्विन या -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर की गई है। और सुपर कंडक्टर जो मटेरियल, जिन मटेरियल्स में सुपर कंडक्टिविटी पाई जाती है, उन्हें हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। और सुपर कंडक्टर की बड़ी खास बात क्या है, एक विशेष बात इनमें क्या है कि सुपर कंडक्टर की रजिस्टिविटी जीरो होने से, रजिस्टिविटी जीरो होना जैसे से इनफाइनाइट कंडक्टेंस को शो करते हैं। तो एक बार करंट फ्लो कर दो तो कईयों साल तक फ्लो करती रहेगी। और अगर हम सुपर कंडक्टर के वायर बना दें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी लॉस होती है पावर को भेजने में, कोई पावर लॉस नहीं होगा। सुपर कंडक्टर के जो कंप्यूटर बनेंगे उनका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, कुछ सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो एक बिल्कुल क्रांति आ जाएगी, एक बिल्कुल रिवोल्यूशनरी आ जाएगी हमारे इंडस्ट्री में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
है कि आज तक जो सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर की गई है वो मैक्सिमम 125 से 120 केल्विन तक डिस्कवर की गई है, मीन्स माइनस 153 डिग्री सेंटीग्रेड पर। साइंटिस्ट अभी लगे हुए हैं जिस दिन रूम टेम्परेचर मीन्स 300 केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर हो गई उस दिन एक नई क्रांति आ जाएगी, एक नया रेवोल्यूशन, एक नया चेंज आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। ओके, तो वह मटेरियल जिनके अंदर सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है उन्हें सुपर कंडक्टर कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर इनका इनका इनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। साइंटिस्ट अभी कोशिश में लगे हुए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एल्युमिनियम की। देखिए सबसे रेजिस्टिविटी सबसे कम जो है वो सिल्वर की होती है। देखिए ये इनका जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देखिए सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी है, उससे कम जो है गोल्ड की होती है। ये Au क्या है? गोल्ड, ये आपका गोल्ड है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम की है, फिर गोल्ड की है, फिर कॉपर की है, फिर सिल्वर की है। तो अगर हम एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर में बात करें तो सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती है, इसीलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। और सिल्वर से ज़्यादा रेजिस्टिविटी कॉपर की होती है, कॉपर से ज़्यादा गोल्ड की होती है, गोल्ड से ज़्यादा एल्युमिनियम की होती है, एल्युमिनियम से ज़्यादा टंगस्टन की होती है, टंगस्टन से ज़्यादा आयरन की होती है, आयरन से ज़्यादा फिर मरकरी की होती है। तो ये इनकी रेजिस्टिविटी होती है। रो एजी, एजी कहते हैं अर्जेंटम को, सिल्वर को, इज लीस्ट 1.6 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, सो इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर। जो सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, वो 1.6 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है, इसीलिए इसको बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है तो आप बताओगे सिल्वर, वो रीजन पूछेगा तो बता देना कि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है 1.6 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। अगला, अब जो एलाय है जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है, इनकी रजिस्टिविटी का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। मैग्नीन की जो रजिस्टिविटी होती है 44 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर है, 44 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर है। कॉन्स्टेंटन की जो है इससे 7 ज़्यादा होती है, 49 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है। नाइक्रोम की जो रजिस्टिविटी होती है 100 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है। अब इनकी रजिस्टिविटी देखिए एलाय की, ये मेटल से ज़्यादा है, ये मेटल से ज़्यादा है देखिए। और जर्मेनियम की जो रजिस्टिविटी होती है जो कि एक सेमी कंडक्टर है 0.45 ओम इंटू मीटर होती है। वहीं सिलिकन की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा जर्मेनियम से होती है, आपकी 640 ओम इंटू मीटर होती है। जो कार्बन, जो ग्रेफाइट आप बोलते हो, कार्बन के दो इलेक्ट्रोप्स होते हैं, एक एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। डायमंड इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट की जो रजिस्टिविटी होती है 3.5 × 10⁻⁵ ओम इंटू मीटर होती है। ग्रेफाइट की जो रजिस्टिविटी है 3.5 × 10⁻⁵ ओम इंटू मीटर होती है। और हमारी जो ड्राई ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी अगर हम ड्राई हैं, गीले नहीं हैं, तो हमारी जो हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो आपके जो है 50 किलो ओम के पास होता है। लेकिन अगर हम वेट हों तो हमारा रेजिस्टेंस जो है 10 किलो ओम के आसपास हो जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे, इनको आपको याद कर लेना है और अपना नोट बना लेना है। ये बार बार छोटे मोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं और आपको इनको अच्छे से लर्न कर करके और राइट करना है और आने वाले समय में टॉपर बनना है। ओके।